निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनपद मुरादाबाद की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन पार्टी कार्यालय पर किया गया। पार्टी कार्यालय लखनऊ द्वारा नामित मुख्य अतिथि ओमकार सिंह प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा रहे तथा मोहम्मद आसिफ खान प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पश्चिमांचल ने भी भाग लिया। राजपाल सिंह जिला अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मुरादाबाद ने सर्वप्रथम ओमकार सिंह प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा जो बैठक के मुख्य थे उनका माल्य अर्पण कर स्वागत किया। अन्य उपस्थित पदाधिकारियों ने भी मुख्य अतिथि का स्वागत किया। पदाधिकारी द्वारा मोहम्मद आसिफ खान प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का भी स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह ने सर्वप्रथम जिले की मुख्य कमेटी की कार्यकारिणी की सूची मुख्य अतिथि को उपलब्ध कराई तथा समस्त पदाधिकारियों को सुबह सपा पार्टी की नीतियों के बारे में विस्तृत रूप से समझाया तथा पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए रणनीति बताई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अब पार्टी NDA का हिस्सा है, इसलिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार जनता में करें तथा प्रधानमंत्री जी को वर्ष 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करें। मनोज वर्मा, डॉक्टर नरेश कुमार एवं मुतुर्जा अली आदि पदाधिकारियों ने भी अपने अपने विचार रखे। अंत में ओमकार सिंह प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा ने अपने भाषण में ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री द्वारा OBC SC ST एवं कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए किए जा रहे तमाम कार्यों का उल्लेख किया। समस्त पदाधिकारियों को एकजुट रहकर पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया गया। बैठक में शिवा सिंह, अनिल कुमार प्रजापति, मोहित कुमार, प्रेम सिंह जी, गंगा शरण, रामेश्वर सिंह, सुधीर कुमार, पप्पू सिंह, हरचरण सिंह, लल्लू सिंह तुरेहा जी, अरविंद कुमार वर्मा, राहुल बिश्नोई आदि ने बैठक में भाग लिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम ओमकार चौहान है। किस पार्टी से आप? सुहेलदेव समाज पार्टी से हूँ। प्रदेश अध्यक्ष। समीक्षा बैठक है यहाँ पे? क्या समीक्षा बैठक है? और अपने कार्यकर्ताओं को जागरूकता करना है, पार्टी के बारे में बताना है और जो छोटे बड़े हैं सबको अपनी पार्टी में सहयोग करके बुलाना है, एक संगठन हमें मजबूत करना अपना। क्या नीति रहेगी पार्टी की? पार्टी की नीति यही रहेगी कि छोटे वर्ग को साथ लेकर, जिनके जैसे कि हमारे अल्पसंख्यक हैं उनका दूसरी पार्टी ने दुरुपयोग करा, समाजवादी ने दुरुपयोग करा, उनको हम साथ में लेके उनकी आवाज़ बन के सुहेलदेव समाज पार्टी उठेगी अपनी एक आवाज़। भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी NDA में शामिल हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में ही हम यही कहना चाहेंगे कि उनके NDA में आने से उनका मान सम्मान बढ़ा है और गरीब लोगों का मान सम्मान बढ़ा है और गरीब को एक मजबूती मिली है, क्योंकि हमारे राजभर जी जमीन से चले हैं और गरीबों का साथ लेकर चले हैं और आगे NDA में आके उनको जैसे मजबूती मिल जाएगी ऐसे हमारे कार्यकर्ता भी मजबूत होते रहेंगे। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 तारीख निर्धारित है और पूरे प्रदेश में हर जनपद में 75 के भी जनपदों में आज सब जगह मीटिंग हो रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर द्वारा आज इस समीक्षा बैठक के देखने के लिए एक मुख्य अतिथि नियुक्त किए हैं। उसी कड़ी में हमारे माननीय ओमकार जी प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के यहाँ तैनात किए हैं, जो वो अब इस समीक्षा बैठक का निगरानी करेंगे और इन्होंने मार्गदर्शन दिया है और हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह प्रदर्शित किया है और अपने विचार रखे हैं किस तरह पार्टी को ऊपर उठाया जाए, किस तरह हम गरीबों की, किस तरह अल्पसंख्यकों की, OBC की किस तरह मदद करें, ये इन्होंने अपने वक्तव्य में हमें बताया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सोच समझ कर NDA में शामिल हुए हैं, क्योंकि पूर्वांचल में आप चल के देखेंगे तो हमारी पार्टी का जलवा मिलेगा, पश्चिमांचल में थोड़ा अभी कुछ कम है, कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने वर्ग ला करके लोगों को अपने हिस्से में कर रखा था और समाजवादी सपा की नीतियाँ उजागर हो चुकी हैं जो जनता के किसी भी प्रकार के हित में नहीं है। इनकी सारी झूठ योजनाओं को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने प्रकाशित किया है और उसी तरह समाज का भला हम जल्दी कर सकते हैं जब NDA में शामिल होंगे और हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज की वजह से NDA में बढ़ोतरी मिलेगी और BJP को बहुत बड़ा
2024 के इलेक्शन में बल मिलेगा। और यहाँ तक है कि सबने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हर कार्यकर्ता ने ये कसम खा ली है कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को? क्या कहना चाहेंगे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को? पार्टी कार्यकर्ताओं को बस यही हमारा अनुरोध है कि गांव गांव जाएं, अपने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रचार करें, और जो भी हमारा यहाँ NDA का समर्थित प्रत्याशी खड़ा होगा उसके जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, और हर हालत में हम मुरादाबाद की लोकसभा सीट से अपना BJP का आदमी या जो भी NDA का होगा आदमी चयनित होगा उसी हम जिताएंगे।